हाय फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ हक्का नूडल मतलब चाउमीन। इसके लिए मैंने कटोरा में पानी गर्म कर लिया है। पांच बड़े इसमें मैं नमक डाल दूंगी एक चम्मच। अब इसमें मैं नूडल्स को डाल दूंगी, हक्का नूडल। इसको ज़्यादा कुक करिएगा तो वो चिपचिपा हो जाएगा, फिर वो खिले खिले नहीं बनेंगे। इसलिए 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए मेरे नूडल्स उबल गए हैं अच्छे से। अब इसमें हल्का मैं ऑयल लगा देती हूँ ताकि चिपक के ना एक दूसरे के साथ। तेल लगाने से वो चिपकता नहीं और खिले खिले बनते, ठेले स्टाइल। अब मैं एक पैन में हीट कर ली हूँ पैन को। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। मैं गरम हो गया, ये इसके लिए मैंने लिया है स्प्रिंग ऑनियन लिया है, मैंने बंदा भी लिया है, हरी मिर्च लिया है, शिमला मिर्च, गाजर, ये कटी हुई लहसुन। अब इसमें मैं डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्च मैंने काट लिया था। अब इसमें मैं कटी हुई लहसुन डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी इसको। अब इसमें मैं ऑनियंस डालूंगी। अब साथ में गाजर डाल दूंगी ताकि मैं सॉफ्ट हो जाए, गाजर थोड़ा हार्ड होता है। एक 2 मिनट तक इसको मैं फ्राई करती हूँ, फिर सारा कुछ डालती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े साइज का शिमला मिर्च। इसको मैं आधा कट कर ली हूँ, 2 बड़े साइज का नहीं डाली हूँ। इसमें डालूंगी मैं बंदा। इसमें मैं बंदा आधा मैं बंदा दी हूँ, छोटा सा बंदा लाई थी, बड़ा वाला बंदा नहीं। इसको 2 से 4 मिनट तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, हल्का ही सॉफ्ट हो जाएगा। नमक सॉस में भी रहता है तो कम डालेंगे, आधा स्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा फ्राई हो गया सारा सब्जी। अब इसमें मैं सॉस डालूंगी, 1 चम्मच सोया सॉस। एक चम्मच टोमेटो सॉस, थोड़ा सा और भी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा 1 चम्मच विनेगर। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, इससे तीखा भी आएगा और टेस्ट भी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं ग्रीन सॉस डाल देती हूँ, सोया सॉस। इसको भी अच्छे से मिक्स कीजिए। चिल्ली सॉस लिए। अब इसमें मैं डालूंगी नूडल्स। नूडल डाल के अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। अब इसको मैं फॉक की मदद से इसकी मदद से चला लेती हूँ।
ये देखिए मेरा नूडल्स अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर भी ठेले स्टाइल लग रहा है बिल्कुल। आप लोग भी बनाकर खाएं। अब इसमें मैं स्प्रिंग ऑनियन छिड़क देती हूँ। इसको हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। मेरा नूडल्स तैयार है, आप लोग बताएं कैसा बना है। अब फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा बना। आप लोग भी ट्राई करें।